कक्षा 7 हिंदी। आप आपकी CW खोलिए, हम गृह कार्य को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। आगे प्रश्न 3। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? उत्तर, फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मनभावी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते है। प्रश्न 5। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। हम पर किस किस का ऋण है? उत्तर, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। प्रश्न 2। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? उत्तर, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। 3। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 4। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करते हैं, उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सच्चा देशभक्त माता, मातृभूमि और मातृभाषा। यहाँ तक हो गया। आगे स्वाध्याय प्रश्न 1। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न 1। कथनी और करनी में अंतर विषय पर विचार। मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। स्वापोथी और CW में एकम पूर्ण हुआ। आगे काव्य 5। हिंद देश के निवासी। आपको इस काव्य को CW में लिखना है और उसके शब्दार्थ। यहाँ तक आप गुरु कार्य कर लेना।